कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने एवन टीवी से कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस मसले पर हमारे संवाददाता प्रीत किरण ने अहमद पटेल से विशेष बातचीत की। अहमद पटेल ने मेरे साथ उनसे बात करते सर लगातार जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस ने भी जो बातें कही कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं। अब जब ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सेना का बहुत बड़ा अपमान है। हमारा एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, जिन्होंने पहले एयर स्ट्राइक भी की, वॉर भी जीते, उनका अपमान है। कांग्रेस या कांग्रेस की सरकार का अपमान करें वो तो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी सेना का जो अपमान हो रहा है घोर, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ख़ास तौर पे वो फैमिली, वो परिवार जिनके परिवार से लोगों ने शहादत दी है, बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपना बेटा गंवाया, जिन्होंने अपने भाई गंवाया, जिन्होंने अपना पति गंवाया, आज वो परिवार है, वो क्या सोचते होंगे कि क्या हमारे जवानों ने, हमारे बेटों ने क्या कोई शहादत नहीं दी, वो सिर्फ कागजी थी। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ आप लोगों ने कई बार चुनाव आयोग आके शिकायत की, अब तक कार्रवाई नहीं हुई, क्लीन चिट दे दी जाती है उनको। वी विल वेट एंड वॉच, अभी भी कई बार कह चुके हैं, कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, तो हम अभी भी आशा करते हैं कि कुछ न कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो आशा करते हैं कुछ कदम उठाए जाएंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस के दौर में केवल और केवल सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया है। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, एवन टीवी, दिल्ली।